नमस्कार सकालर खबर सह मुमोना प्रथम हेडलाइंस पुटिन और जेलेंस्की कथा हेले मोदी दुई देशर स्थित अग्रगति लागि करिथिले प्रयास द्वितीय दिन लागि रूस करिथिला अस्त्र विरति एपटे ओडिशा फेरिथिबा छात्र छात्री को करागला स्वागत गुलिकांड घटना को ग्रामवासी को विरोध थाना घेरिले महिला फेब्रुआरी 28 रे दुई गोष्ठी मध्य होता गंडगोल पुलिस प्रतिश्रुति पर हटिला आंदोलन सुंदरगढ़ तलसरा थाना इब नदी में अघटन कनाकुंड घाट में बुड़गले युवक मृतक हेले बिहार रूपेश कुमार झारसुगुड़ा स्टील कंपानी करुथिले काम श्रीमंदिर भितर काठ निकटने रक्त छिटा घंटे ऊर्ध नीतिकांति होता विलंब महास्नान पर श्रद्धा करते दर्शन रक्त छिटा आसवर कारण स्पष्ट आकाशु बर्षिब निया 40 डिग्री टपिपे दिनर पारद 14 19 राज्य में पग रुखिला तापम्रा रैनिक 37 एबे संपूर्ण खबर रूस युक्रेन युद्धर द्वादश दिन पुटिन और जेलेंस्की कथा हेले मोदी दुई देशर स्थित अग्रगति लागि करिथिले प्रयास द्वितीय दिन लागि रूस करिथिला अस्त्र विरति एपटे ओडिशा फेरिथिबा छात्र छात्री को करागला स्वागत सेपरि युक्रेन जारी रहिथिबा युद्ध संकट नहीं रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन कथा हेले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज उभय नेता युक्रेन संकट प्रसंग में प्राय 50 मिनिट धरी टेलीफोनिक वार्तालाप होइछि युक्रेन चारि सहर में लागू होइछि अस्त्र विरति युक्रेन स्थित अनायत हो पड़ता बेले रूस आक्रोश निआरे जलुछि युक्रेन फोन में युक्रेन राष्ट्रपति मोदी वार्तालाप नहीं सूचना मिली रूस प्रबल आक्रमण में युक्रेन गंभीर भाव में क्षतिग्रस्त होता बेले साधारण जनता नाना समस्या मध्य गति कर प्रथम पर्यायर मध्य गाजियाबाद स्थित हिंडन एयारबेस्रु सहायता राशि दुई स्वतंत्र विमान पठा जाता फेब्रुआरी 28 रे घटीथिला गुलिकांड 6 जन होइथिले गुरुतर उभय पक्षर अभियोग परे मनमुडा पुलिस अनेकों को गिरफ करिथिला गिरफ व्यक्ति मध्यरे अनेकों को नारे करा जाइथिला मिच्छ अभियोग जाको विरोध करी मनमुडा थाना घेरीथिले बहु महिला बौद्धर रक्सा छक विजय और पराजित सरपंच गंडगोल होता यह घटना को नहीं विजय प्रार्थी समर्थक गत 4 तारीख थाना घेराव करते सोमवार पराजित सरपंच समर्थक थाना घेराव करते घटनास्थल को एसडीपीओ आनंद बर्धन गुरु डीएसपी तपस्विनी कहर और मनमुंडा थाना आईआईसी गोपीनाथ प्रधान महिला को बुझासुझा करने आंदोलन हटि विजेडी पे मिथ्या अभियोग दिखाई उल्ट्रोल करके प्रमाण पाई कि माने केसटा धरून मिथ्या प्रमाण केस धरबार किसी जरूरी ना घर थी सुर लोक आईले घर के घर बस माझ दुईटा डाक्टरखाना के बोली जल्दी टा ख्याल तो आन ना तो भिड़िका बही नहीं जमी बहुत मैं सब कहते मतलब बही नहीं बोल चब मैं धान मैं तुम तुम जाति घटी मतलब एंता कथा मैंने कहो क्या बोली तोर घर तक पूरा हानि देम तोर घर तक छेड़ी देम आम ओडल पाइकी रही छूँ पूरा मारिदेम आनबू तो आन ना आनचु बोले बेलबुड़ी गलत बही नमु आसिक बोली माचिस मागली मुझे ना माचिस बोली मेरा जनता बेटले आज मुझे दबड़ी दबड़ी पढ़ामी बोला मुझे रुठी होकर रही पड़ी मोर आठ छाल छाड़ी गला बेलबुड़ी का सन्धार आज आईमु कहली सेनु आई आती किए किए झमला पत्र लगले बोले आर एक गले गाँव पिला जिन देखीदे आम बाबू मैंने आसले आसले जो बोले कि आबू कहीं लगे कि झमला पत्र है आर पार्टी पूर्ण नाई हूँ एक बोलते बोलते आज साड़ी गुली फायरिंग मैंने धरिक बाबू गुड़िकाण्ड घटी से बाबद केस कराई आम एफआईआर होकर 13 जन गिरफ्तार पड़चाला नहीं मैंने भी जो मैंने संपुक्त अच्छा आम चेष्टा चलती गिरफ्त कर आज दहिया ग्राम आडिज मैंने डिमाण करने अगर गिरफ्तार गोटे मेमोरांडम देखते सुंदरगढ़ जिला तलसरा थाना घोगरा गाँ गाँ निकट इब नदी में कनाकुंडा घाट में पुणी घटी अघटन नदी में बुड़ जड़े युवक मृत्यु घटी युवक जनक बिहार पटना जिलार रूपेश कुमार से झारसुगुड़ा भूषण स्टील प्लांट रे काम करुले रूपेश सोमवार अन्य दुई सांग सहित दुईट बैक बुलवापी कनकुंडा गाँ कनकुंडा को जाते अन्य दुई सांग सहित पथर में पारि हो आरपट को गला समय रूपेश गोड़ खसी जाता फल नदी में बुड़ जाते अग्निशम विभाग पहुंचे मृतदेह को उद्धार कर वर्ष जानुरी में पिकनिक करने आसी राजगांगपुर अंचल जड़े युवती गोड़ खसी जीवन मृत्यु घटी
श्रीमंदिर महाप्रभु सेवा समय देखा मिली रक्तचिटा रक्तचिटा पड़ा नीतिर सामान्य विलंब होता पितर काठ निकट में रक्तचिटा देखा श्रीजीवर महास्नान हो महास्नान नीति संपन्न होगा पुणी साधारण भक्त को दर्शन छड़ा जाता अवकाश पूजा पर भितर काठ निकट में रक्तचिटा देखा मिली फल घंटे ऊर्ध समय धरी नीति में विलंब होता साधारण दर्शन बंद रही बड़दाण्ड में भक्त लंबा लाइन देखा मिली सेपरी प्रशासन पक्षर पानी कि सुविधा करा जाय नथिबार अभियोग करिछन्ते श्रद्धालु परंपरा अनुसार श्रीमंदिर गर्भगृह रक्तचिटा देखिले ठाकुर को महास्नान नीति होता है तेज रक्तचिटा केउठो भितर काठ निकट को आसला ताहा एपर्यंत अस्पष्ट रही पौर निर्वाचन लागि नामांकन दाखल सोमवार थिला शेष दिन शेष दिन में आठगड़ अठटी वार्ड सहित अध्यक्ष पद बहु प्रार्थी को नामांकन पत्र दाखल करिछन्ति परिषदर अठटी वार्ड में समुदाय 54 जन प्रार्थी और 5 जन प्रार्थी अध्यक्ष पद पर नामांकन पत्र दाखल करिछन्ति पद पर प्रमुख तीन दल प्रार्थी दुई जन स्वाधीन प्रार्थी नामांकन भरी 8 नंबर वार्ड में जड़े प्रार्थी नामांकन भरी से निर्द्वंद निर्वाचित हो जहाँ अधूरा स्वप्न अच्छी आम पूरण करम को प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा आम प्रिय राजा भाई मत टिकेट दे थारु बहुत बहुत धन्यवाद जनावि कांग्रेस दल चेयरमैन कैंडिडेट भाव में मत चयन कर मोर प्रथम लक्ष्य हूँ एनएससी आठगड़ मान दुर्नीति मुक्ति एनएससी गढ़ा मोर हूँ प्रथम लक्ष्य मो ना इला पंडा मु भारतीय जनता पार्टी दल तरफ आठगड़ एनएससी चेयरमैन अध्यक्ष पदवी नॉमिनेशन कर शेष दिन में बीजेडी बीजेपी और कांग्रेस अध्यक्ष प्रार्थी उपजिलापाल निकट में दाखल करिछन्ती प्रार्थीपत्र बीजेडी शनिवार प्रार्थी तालिका घोषणा करिथिला कांग्रेस रविवार और विलंबित रात बीजेपी टिकेट फाइनाल करिथिला बीजेडी पूनम कहर पटुआरे आसी प्रार्थीपत्र दाखल करते जिला सभापति सरोज कन्नो विधायक अंगद कहर डॉक्टर ईश्वर नायक देवेन्द्र सामल उपस्थित थे सेपरी कांग्रेस प्रार्थी सविता महांती जिला सभापति अनामना एक्या पीसीसी संपादक चंद्रशेखर परेडा छात्र कांग्रेस सभापति अनुपम कहर प्रमुख उपस्थित थे सेपरी बीजेपी प्रार्थी अस्मिता महांती प्रार्थीपत्र दाखल करते शेष दिन में 9 जन अध्यक्ष 48 जन काउनसिलर नामांकन पत्र दाखल करते 9 तारीख में कागजपत्र जांच पर 14 तारीख में चूड़ांत तालिका प्रकाश पाई निर्वाचन अधिकारी शेषदेव मिश्र जल जोगाण मंत्री जी अब्जर्वर प्रताप जेना महोदय कंधमाल जिला को मान्यवर मुख्यमंत्री बहुत भल पाती से एक व्यक्तित्व को पठाई अच्छा जी कि निजे पानी जल जोगाण मंत्री अच्छा से ऑब्जर्वर अच्छा से समस्त व्यवस्था कर सारे आगामी एक वर्ष मध्य आमर टार्गेट रही अच्छी विजु जनता दल टार्गेट रही अच्छी प्रति गृह को विशुद्ध पानी जल पहुँच पार महांती पौराल जनसाधारण सुख सुविधा सब बुझी बोली ठीक आगे आपण मैंने आशीर्वाद देते मो कथा पूरण मानवर मुख्यमंत्री को आपण मैंने समस्त जानते दीर्घ 20 वर्ष रु ऊर्ध 22 वर्ष है पांच थर मुख्यमंत्री आपण मान आशीर्वाद जनसाधारण आशीर्वाद पांच थर मुख्यमंत्री होती ओडिशा जहाँ पूर्व तार ऐतिहासिक परिवर्तन होती एवं ये ऐतिहासिक परिवर्तन रो नारा बा विकास रो धारा को आमे आगे नबू फुलवाणी पौर परिषद रे मु आपण मानकु सर्वप्रथमे कहिया पई चाहूची जे कंधमाल जिल्ला रे कांग्रेस रो यथेष्ट भित्तिभूमि रहीची जदियो शासक दल क्षमता रे थाई कि विभिन्न प्रकार उपाय अवलंबन करी से माने सब जीति जिला परिषद और सरपंच समिति सभ्य ये रे किंतु वर्तमान ग्रामांचल रो भोट सरी जाइची ये वर्तमान शिक्षित लोकंकर भोट हबा पई जाउची तेनो मु आशावादी जो 22 वर्ष काल गोटे विफलित सरकार अच्छी विकास ना रे ओडिशा को विनाश कर सारे टाउन रोक मैंने मर्मे मर्मे से अनुभव करमें सब उपयुक्त प्रार्थी प्रार्थी सब चयन कर भारतीय जनता पार्टी तरफ आज चेयरमैन प्रार्थी भाव में पकड़ जा भारतीय जनता पार्टी फुलवाणी जनसाधारण सुख दुखर साथी होगापी सुख दुखर सहभागी हेबा लोकंकर प्रार्थी भाव में ठिया करिछि ए निर्वाचन रे।
बरी ब्लॉक बौद्धपीठ रत्नगिरी सरकारी उच्च विद्यालय सम्मुखे छात्र छात्री धारणा प्रधान शिक्षक को विरोध कर अनशन बस छात्र छात्री पिलांको पांच मास चाउल स्टाइपेन साइकिल मनी आदि मिलनी से क्लास रे प्रधान शिक्षक अनुपस्थित रहा घटना पांचटी कार्य परिश्रागर लाटिन आदि न होता जो एभली घटना घटी एने छात्र छात्री माने धारणा रे बसी रही उच्च कर्तृपक्ष तुरंत प्रधान शिक्षक विरुद्ध कार्यानुषान ने दावी जोर धरी कौन है जमा स्कूल गेट आकर कहीं अनशन से डाइ जोंदी हमर प्रधान शिक्षक जो छथि प्रकाश सर से 5 टी उद्घाटन दिन जो हमर जो अलगा स्कूल देखो तो 5 टी हमर स्कूल 5 टी अलगा स्कूल ले तो 5 ले देखिबे अपन को लाखी जाई आखी लागि जबा हमर स्कूल देखो हमर स्कूल किछि व्यवस्था नै 5 टी है जंदी बड बड झेपला गडा अछथि माने सोचाडा कोठ कि जबा हमे 10 टा रु 4 टा रहू छु तदर सोचाडा रे किछि भी व्यवस्था नै कि पानी पी पानी हमर स्कूल ले नै त पहाड़ को से पहाड़ वाला के स्कूल 5 टी है जे अपन पानी व्यवस्था कर नै आ तापर 5 टी जरो पैसा आसिला गाँव लोक सहित सर मिसी से पैसा भी खाई जंते आ 5 टी रे कोन आमर होई स्कूल रे सर मे बहुत दिन रेनी प्रकाशन को माने जे हेडमास्टर सर त को कहू जो कि पानी रो व्यवस्था किछ नाही आ बहुत दिन रेनी कहू जो पानी रो बहुत असुविधा होची शौच रो किछ भी व्यवस्था नाही आ से सर भी बहुत दिन रेन क्लास भी करू नांती आमे सर बहुत तर कहू छले पर निर्वाचन प्रार्थीपत्र दाखल शेष दिन में एकाधिक प्रार्थी नामांकन भरी सुवर्णपुर बिनिका पौर निर्वाचन विजु जनता दल बारजन प्रार्थी और एनएससी चेयरमैन लगे बीजेडी सुभाष चंद्र भोई नामांकन पत्र दाखल कर नामांकन दाखल आगु मंत्री पद्मनाभ बेहरा समेत अन्य बिनिका राधाकृष्ण मंदिर बाहरी नगर परिक्रमा करते मंत्री उपस्थित प्रार्थीपत्र दाखल करते प्रार्थी मद दोकान मैनेजर को ठारु लूट भवानीपाटना घोड़ाघाट छक निकट में थिबा दुई नंबर मद दोकान मैनेजर अनिल जसपाल को ठारु लूट होइतिबा जणा पड़िछि से कसा केन्द्रे थिबा भोड़ा घर को जाउथबा बळे किछि दुर्वृत्त आतर्कित भावे तांकु मरणातक आक्रमण करथिले दुर्वृत्त माने तांकु सत्यम सिनेमा हॉल ठारे माड़ मारिबा सो गाड़ी रे बसाई एक निछाटिया जगह को नै जाइथिले सेटाय तांकु पिस्तल देखाई 1,40,000 टंका लुटी नैथिबा अभियोग करिछन्ति अनिल एने सोमवार भवानीपाटना टाउन थाना रे लिखित अभियोग करिछंती दुकान मैनेजर अनिल जसपाल मैं मन दुकान रो मैनेजर दुई नंबर दुकान घोड़ा घाट सब एनु जो थी तमन क्वार्टर के खावा लागिन जो थी दुकान रो मैं कैश फेस धरी करी एनु दुई लोग ना अटैक करले जाना हो जो सौरभ जसवाल और गुटे ना गौरव जसवाल माने अटैक कला पर चार सांग माने आइले आ पीटी बसले मते बंदूक बंदूक घर देखे घरे दुई तीन लोग तारपर 20-25 जन पलै आने तारपर उड़ा कुदा कले बहुत मत बस नहीं गले जगन्नाथ मंदिर रास्ता रे से पड़िया के नेले हेनु दुई तीन घंटा अटकाले पिस्तौ फिस्तौ देखाले से हाथे काण पिंधिक पूरा पिटले पिटला पर हेनु मुझार विनती कलार से आर कहले कि काले छु भवानीपाटन ना मारिकर फेंकी दबू कोटाबाजी पौर निर्वाचन पर तीन दल पक्षर् सरला प्रार्थीपत्र दाखल बलांगीर कोटाबाजी एनएससी आसंता 24 तारीख में होगा पौर निर्वाचन पर सोमवार तीन दल अध्यक्ष प्रार्थी प्रार्थीपत्र दाखल करते कांग्रेस पक्षर् विधायक संतोष सिंह सालुजा भाई बरियम सिंह सालुजा प्रार्थीपत्र दाखल करपरी स्वाधीन प्रार्थी भाव किशोर वर्मा प्रार्थीपत्र दाखल कर भाजपा पक्षर् वेदव्यास नाग करिछन्ति प्रार्थीपत्र दाखल से हीपरि बिजेडीरु विनय भूषण विभार प्रार्थीपत्र दाखल करिछन्ति कोंटाबाजी एनएससी रे 17,551 मतदाता रहिछन्ति ओ सेमानक मधुर 8,824 पुरुष थिबा बळे 8,723 महिला ओ 4 किन्नर मतदाता रहिछन्ति आज कोंटाबाजी बिजु जनता दल तरफरु चेयरमैन प्रार्थी विनय विभार तथा 16टा वार्डर 16 जन प्रार्थी प्रार्थिनी विजु जनता दल आज आम नॉमिनेशन पेपर भरलु कोंटाबाजी एनएससी कार्यालय बहुत आशावादी अच्छु कोंटाबाजी जनसाधारण सब बेले नवीन पट्टनायक कार्यशैली अनुप्राणित होकर सब बेले सब समय आम प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को आशीर्वाद कर सौभाग्य आज आम ये जो उपस्थित हो भारतीय जनता पार्टी तरफ मत चेयरमैन लड़ीबा पई सुजोग मिली छी
ପଞ୍ଚାୟତ ପରେ ଏବେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ଗାଁ ପରେ ପରେ ସହର ରାଜନୀତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସଫଳତା ଦୋହରାଇବାକୁ ଶାସକ ଦଳ ଆଶାବାଦୀ। ବିପକ୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ତରଫରୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ସରିଛି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ଗୁପ୍ତା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ତରଫରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମୂଳଚନ୍ଦ ସିଂହଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଦା କରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି 13 କାଉନ୍ସିଲର ପଦବୀ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତିରେ ଖଡ଼ିଆଳର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 11,479, ମହିଳା ଭୋଟର 5,837, ପୁରୁଷ ଭୋଟର 5,640 ଓ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗରେ 2 ଅଛନ୍ତି। ଗତ 2 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ବାଜିମାତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥର କିଏ ବାଜିମାତ କରିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଭୋଟ୍ ହୋଇଥିବାରୁ କାଉନ୍ସିଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଯିବ କି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦଳକୁ ଯିବ ସେ ନେଇ ଚାଲିଛି ଅଙ୍କ କଷା। ସଡ଼କ, ବିଜୁଳି, ପାଣି ଯାହା ଥିଲା ଆମର ଏଜେଣ୍ଡାରେ, ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲୁ, ତାହାକୁ ସହରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିସାରିଲେଣି ଖଡ଼ିଆଳ ସହରରେ, ଖଡ଼ିଆଳ ଏନ୍ଏସିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ। ସମସ୍ତେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ଭୋଟର୍ସ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ନୋମିନେସନ୍ କଲୁ, ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଏଠି ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଏ ସହରର ନଗରପାଳ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହାତେଇବୁ। ଆମ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏନ୍ଏସିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆଉ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପାଥେୟ କରିକରି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକେ ଯେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏନ୍ଏସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାର ଲାଗି। ଆଉ ମୁଦା ଅନେକ ଅଛେ। ଏନ୍ଏସି ଅଫିସ୍ଟା, ଏନ୍ଏସି କାଉନ୍ସିଲ୍ଟା ବିଗତ ବହୁତ ବର୍ଷ, ମାନେ 10-15 ହେଇଗଲା, ଅବହେଳା ହେଇକରି ପଡ଼ିଛେ, କାହାର କିଛି କାମ ନେଇ ହେବାର, ଆଉ କରପ୍ସନ୍ର ଘଣ୍ଟାଘର ହେଇକରି ରହିଛେ। ସଡ଼କ, ବିଜୁଳି, ପାଣି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସାନିଟେସନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ, ମତଲବ ଆପଣ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ବୋଲେ ଆଉ କିଛି ଫିଲ୍ଡରେ ନେଇ ନା, ଯେନ୍ ଏନ୍ଏସି ପଛେ ନେଇ ନା। ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ, ବ୍ଲକ ସହିତ, ଆଜି ବ୍ଲକ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛେ, ସେ ପ୍ରକାରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ନେଇ ହେବାର। ଶେଷ ଦିନରେ ନାମାଙ୍କନ କଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସୋମବାର ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖରେ ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ତାଲିକା ଲାଗି ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦିନ 11 ଦଳୀୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାରିପଦା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ୍ ଆସି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସରୋଜନ ହେମ୍ରମଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଜେପିର କବି ବିଷ୍ଣୁ ଶତପଥୀ, କଂଗ୍ରେସରୁ ଯୋଗେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ଜେଏମ୍ଏମ୍ରୁ ଚନ୍ଦନ ଜେସ୍ପଡ଼ା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଏକତରଫା ଫଳାଫଳ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ବାରିପଦାବାସୀ ବିଜେଡିକୁ ବାଛିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଣନୀତିର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଏଠି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇଛି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସଂକଳ୍ପକୁ ନେଇକି। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ବାରିପଦାବାସୀ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସେଠୁ ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଟ୍ ଫଲ୍ସ ଫାର୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର, ଗୋଟେ ନୂତନତାର, ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହେଇକି ଆମେ ଏଠି ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ହେଲା। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପରେ ଆମର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ବୈଠକ କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିବୁ ତାକୁ ଆଗେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିନା ହେଉଛି ମାନେ ହେଉଛି ଭୋଟ ମାଗିବାର ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟକୁ, ମୋ ବିଷୟରେ କହିବି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୋ ଚିନ୍ତା କରି ଆଜି ରଣାଙ୍ଗନରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ପୌର ପରିଷଦ 19 ୱାର୍ଡ ଥିବାବେଳେ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ଦଳ 4 ୱାର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୌର ପରିଷଦ ପାଇଁ 69 ଓ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ 12 ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପଡ଼ିଛି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 12 7 ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଇଁ ଉଠିଛେଁ ସେବା କରବାର୍ ଲାଗି,
ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆଜି ବରଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀନି ଏବଂ 19 ୱାର୍ଡର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥୀର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ଲାଗି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛୁ। ଆମର ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀମତୀ କଳ୍ପନା ମାଝୀ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ 1-19 ୱାର୍ଡ ତକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ହୋଇକରି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବଂ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆଶାବାଦୀ ଗତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ଭଳିଆ ଏବଂ ଅତୀତରେ ତିନିଥର ଯେନ୍ ପୌର ପରିଷଦ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୌର ପରିଷଦ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଯେନ୍ ଅତୀତରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେନ୍ ଯୋଜନା କରିଛୁଁ ବରଗଡ଼ ସହରକେ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଲାଗି ପିଇବାର ପାଣିନୁ ନେଇକରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟନୁ ନେଇକରି ଶିକ୍ଷାନୁ ନେଇକରି ଗମନାଗମନ ନେଇକରି ଯେନ୍ ମଡ଼େଲ ଟାଉନ୍ଟେ କରିବାର ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ସେ ସ୍ୱପ୍ନକେ ସାକାର କରିବାର ଲାଗି ବରଗଡ଼ର ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୱାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କରେ କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୟୀ କରିବେ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ସବୁବେଳେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି ହିଁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ପାଖକେ ଯିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୌର ପରିଷଦରେ ବି ତାଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବା ଏବଂ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆଶାବାଦୀ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଆମର ରିଜଲ୍ଟ ଆମର ସପକ୍ଷରେ ଯିବା। ବରଗଡ଼ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ଆମର ଦଳ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଯେନ୍ ପରିକଳ୍ପନା ରହିଛି ବରଗଡ଼ ସହରକେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସହର କରିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇକରି ସେଟାକେ ଦେଖିକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦଳ ଭିତରୁ ତ ମୋର ଜାଣିବାରେ କେହି କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି କିଏ କରିଥିବ ସେଟା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବୁ। ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ରହିକରି ହିଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ହିଁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। କେହି ବି ଯଦି ସେଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବୁ। ବୁଲେଟିନ୍ ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ପୁଟିନ୍ ଓ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୋଦି। ଦୁଇ ଦେଶର ସ୍ଥିତିର ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି କରିଥିଲେ ପ୍ରୟାସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଲାଗି ରୁଷ କରିଥିଲା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି, ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କରାଗଲା ସ୍ୱାଗତ। ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧ, ଥାନା ଘେରିଲେ ମହିଳା। ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ପୋଲିସର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ହଟିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତଳସରା ଥାନା ଇବ୍ ନଦୀରେ ଅଘଟଣ, କନାକୁଣ୍ଡ ଘାଟରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଯୁବକ। ମୃତକ ହେଲେ ବିହାର ରୂପେଶ କୁମାର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ କରୁଥିଲେ କାମ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର କାଠ ନିକଟରେ ରକ୍ତ ଛିଟା, ଘଣ୍ଟାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା ବିଳମ୍ବ। ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କରିଥିଲେ ଦର୍ଶନ, ରକ୍ତ ଛିଟା ଆସିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଆକାଶରୁ ବର୍ଷିବ ନିଆଁ, 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିପାରେ ଦିନର ପାରଦ। 14-19 ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ରହିବ ଶୁଖିଲା, ତାପମାତ୍ରା ରହିବ ଦୈନିକ 37 ଉପରେ। ଏବେ ସମୟ ସରିଛି, ସକାଳର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.newsaturia.com। ନମସ୍କାର।